गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका अपना होम साइंस मो, आपका खुद का चैनल अपना होम साइंस मो। इसमें हम होम साइंस की स्पेशल टीजीटी और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी हम विशेष तैयारी कराते हैं केवल होम साइंस के बच्चों के लिए। इसलिए आपका अपना होम साइंस मो में आज हम पढ़ेंगे स्टार्च। स्टार्च क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आज हम स्टार्च में अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि टीजीटी में यहां से एक या दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ओके। इसलिए आप ध्यान से इसको समझें और जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगे आप उसको नोट कर लें। स्टार्च ये जल में अघुलनशील होते हैं, ऊर्जा प्राप्ति का ये मुख्य स्रोत है। गेहूं, चावल, बाजरा और रागी में ये स्टार्च अत्यधिक रूपों में पाया जाता है। जैसे अनाज में ये 70-80% पाया जाता है। अनाज में कितना पाया जाता है? ये 70-80%। बीज में ये 40% और सब्जियों में ये 20-30%। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना होम साइंस मऊ में आज हम स्टार्च के बारे में अध्ययन किए। यदि आपको अच्छा पॉइंट्स लगे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वनस्पति जगत, जैसे वनस्पति जगत का मतलब पेड़ पौधे, स्टार्च प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं, जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे भी हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी आदि अनाजों में यह 70-85% तक पाया जाता है। 70-80 लिखे भी हैं, तो आप नोट भी सकते हैं। 70-85% तक ये पाया जाता है अनाजों में, ओके। जड़ एवं तना वाली सब्जियों में यह 20-30%। जड़ एवं तना वाली सब्जियों में यह 20-25% पाया जाता है, ओके। जैसे मटर हुआ, सेम, इसमें ये कितना पाया जाता है? 20-30%। कच्चे सेब एवं केला में भी स्टार्च की अधिक मात्रा होती है, परंतु जैसे जैसे ये फल पकते जाते हैं इनका स्टार्च मोनो तथा डाई शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। फलों में भी पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये फल पकते जाते हैं उनका रूप जो सैकराइड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे मोनो में या तो डाई में। पकने के बाद यह फल मीठे लगने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत कच्चे भुट्टे के दाने, हरे मटर, हरे चने के दाने मीठे होते हैं, क्योंकि इनके कच्चे बीज में शर्करा होती है। जैसे जैसे ये बीज परिपक्व हो जाते हैं इनका शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इनका मिठास समाप्त हो जाता है। इसलिए इनका मिठास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? समाप्त हो जाता है। किसका? फलों का। तो ये आज हम अपने अपना होम साइंस मऊ, जो स्पेशल होम साइंस के बच्चों के लिए है, आज हम इसमें स्टार्च का अध्ययन किए, ओके। अब इसकी विशेषताओं में एक दो पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं। विशेषता देखे हेडिंग, ये ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं। ये स्टार्च ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं, ये इसकी विशेषताएं में भी आएगा, ये इसकी विशेषता है। सेकंड लिखना चाहे तो लिख लें, उबले स्टार्च का पाचन सरलता से होता है। उबले हुए स्टार्च का पाचन सरलता से होता है, ओके। अपना होम साइंस मऊ में अब हम स्टार्च के विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? विशेषताओं का, कि जल में अघुलनशील होते हैं। यदि स्टार्च को उबाल दिया जाए, उबले स्टार्च का पाचन सरलता से होता है, ये स्वादहीन होते हैं। तीसरा, ये स्वादहीन होते हैं। चौथा, ये श्वेत पाउडर के रूप में पाया जाता है। ये किस रूप में? ये सफेद पाउडर के रूप में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों,
आपका अपना होम साइंस मऊ जो स्पेशल टीजीटी और एलटी ग्रेड के बच्चों के लिए होम साइंस तैयारी करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास मऊ की तरफ से कर रहे हैं, जिसका आप YouTube चैनल अपना होम साइंस मऊ में जाकर आप एक एक पॉइंट को देख सकते हैं और आप एक एक नोट्स बनाइए। सरकरा की कई इकाइयां के होने के कारण इनका अणुभार अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टार्च मुख्यतः एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना है। एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना है। हम नेक्स्ट पॉइंट्स में इसको लिखवा देंगे आपको, ओके। एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन इक्वल स्टार्च, इसीलिए कच्चे फलों में स्टार्च की मात्रा कम होती है और पके फलों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार आज हम स्टार्च का अध्ययन किए और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नोट करके आपको बता देते हैं, ओके। लिखें मेरे प्यारे बच्चों, अपना होम साइंस मऊ में हम लोग अभी स्टार्च पढ़ रहे थे। स्टार्च के कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे स्टार्च में पानी की मात्रा जब अधिक होगी तो स्टार्च क्या होगा, कम होगा। ये अपने संकेत है, अपना खुद का एक संकेत बना गया है एग्जाम में तैयारी करने के लिए। क्वेश्चन यहां से आते हैं, जब पानी की मात्रा अधिक होगी तो स्टार्च की मात्रा क्या होगा, कम होगा। जब पानी की मात्रा कम होगा तो स्टार्च की मात्रा अधिक होगा। एरो का मतलब नीचे का मतलब कम होना और ऊपर का मतलब अधिक होना, ओके। आपको बता दें, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होगा, स्टार्च का निर्माण होगा, ठीक। स्टार्च टाइलिन एंजाइम, स्टार्च जो है टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, डेक्सट्रिन में बदल देगा। किस में बदल देगा, डेक्सट्रिन में, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे डेक्सट्रिन क्या है, ओके। तो आज हम अपना होम साइंस मऊ में टीजीटी और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए स्पेशल तैयारी हो रही है अपना होम साइंस मऊ में। हम इसके पहले भी वीडियो में छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, बहुत ज्यादा आपका समय वीडियो नहीं लेगा। जिसके पास समय कम है वो घर बैठ के अपना एक एक वीडियो चाहे तो यहां से देख सकता है। आपको मैं पहले भी बताया और आज भी, हमारा आप एक एक वीडियो देखिए और आप टीजीटी की तैयारी में लग जाइए, एलटी ग्रेड की तैयारी में लग जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अपना होम साइंस मऊ में हम लोग आज स्टार्च के बारे में पढ़े, ओके। आपको जान के खुशी होगी कि अपना होम साइंस मऊ आपको कुछ नया दिख रहा होगा। इसके पहले आप ब्लैक बोर्ड चाक का यूज हो रहा था, लेकिन अब जो है हमारे पास व्हाइट बोर्ड आपके सहयोग से आ गया है। व्हाइट ब्लैक बोर्ड आपके पास है, अब मार्कर की सहायता से आपको पढ़ाया जाएगा और साफ और सुंदर सुंदर दिखाई देगा, आप कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, ओके। कोशिश हमारी यही है, एक छोटा सा प्रयास है अपना होम साइंस मऊ का कि हम आपका सिलेक्शन कराएं। इसलिए आपका एक छोटा सा सहयोग, आप अपने कीमती समय से कुछ समय निकालकर आप अध्ययन करें। आपको हम समय बता दिए, जिसके पास समय नहीं है वो रात के समय सोते समय अपना एक अध्ययन करे, सुबह उठते हैं तो वहां से अध्ययन करे, ओके। तो अपना होम साइंस मऊ में आज हम लोग पढ़े स्टार्च, ओके। थैंक यू।